कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय, कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला, लंबी से लंबी श्रृंखला ली जाती है। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला ली जाती है। बस बस ली जाती है। नंबर नेक्स्ट, हाँ नंबर नेक्स्ट, रोल नंबर नेक्स्ट, नंबरिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? नंबरिंग को हिंदी में गणना, अंकन तो सही ना, हिंदी में नंबर को क्या कहते हैं? नंबर संख्या हो जैसे नंबरिंग, गिनती करनी हमें जैसे गिनती होगी। चलो छोड़ो नंबरिंग, नंबरिंग समझ रहे हो कि हम नंबरिंग करें तो ना रहने दो, नंबरिंग ही लिख लो, नंबरिंग लिख लोगे ना हिंदी में? हमें ये नियम एग्जाम में नहीं आएंगे, तुम्हें तो उसे कोई नाम समझने के लिए करने, इसमें लिखेंगे यदि, नियम नंबर 3 में लिख रहे हैं। अरे किसकी समझ में आ जाएगा संख्यांकन? नंबरिंग रहने दो, नॉर्मल सबको पता है। यदि कार्बन श्रृंखला में, यदि कार्बन श्रृंखला में तीसरा नंबर, यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध हैं, द्विबंध या त्रिबंध हैं, द्विबंध या त्रिबंध हैं, तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं, तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं, तो नंबरिंग, हाँ नंबरिंग ही लिखना है, तो संख्यांकन लिख दो हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखो ना नंबरिंग, तो इंग्लिश में लिख दो नंबरिंग, नंबरिंग उस ओर से करते हैं, नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से, नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से, जिस ओर से, जिस ओर से द्विबंध या त्रिबंध, जिस ओर से द्विबंध या त्रिबंध निकट पड़ते हैं, द्विबंध या त्रिबंध निकट पड़ते हैं, हो गया। अब पहले ना नाम देख लो, जैसे नंबर 1 उदाहरण लिख रहे हैं इसका, तो देखो भाई इधर, हाँ अब नंबर वो नामकरण कर रहे हैं हम, IUPAC नामकरण, बैठ जाओ आराम से, अब जरा देख लो, ओए अब आराम से बैठ जाओ, बार बार मत बोलना। बोलो मत भाई, अब देख लो देख लो, ये कार्बन है, अब ये कार्बन को पहले ना यौगिक बनाने का तरीका भी सुन लो, क्योंकि हाथ के हाथ हमें तो इसका नामकरण करना है, वो तो बना बना आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो देखो कार्बन है, कम से कम ये सिंगल बंद से तो जरूर जुड़े हुए होंगे, डबल बंद भी हो सकता है, ट्रिपल बंद भी हो सकता है कार्बन के बीच में, लेकिन 4 बंद नहीं हो सकते और बंद बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है, बंद जरूर होगा, ठीक है। और कार्बन, हाँ एकल बंद है। अब कार्बन के चारों ओर 4 वैलेंसी जरूर, मतलब 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, यानी कि कार्बन 4 बंद जरूर बनाने चाहिए। तो देखो इधर एक बंद इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे ये जो बंद होगा ना, इस कार्बन का भी गिना जाएगा, ये वाला भी गिना जाएगा, मतलब आगे पीछे के दोनों गिने जाएंगे, तो एक इधर चाहिएगा, एक इधर चाहिएगा, ऐसे कार्बन के हर जगह 4 बंद चाहिएंगे। अब देखो हमें जो नंबरिंग करनी होती है या हमें जो नामकरण करना होता है, वो सिर्फ कार्बन का करना होता है, बाकी जो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए, बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं, और हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती है, ना ही कोई नाम लिखना होता है,
हाइड्रोजन सिर्फ काम चलाने के लिए लिख देते हैं, इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए। बैलेंसी मतलब संयोजकता, बिल्कुल बेसिक बात पता चल रही है तुम्हें। अब इसे सकोड़गली को कैसे लिखेंगे, तो सकोड़ को जब ऐसे लिखेंगे तो ये ना सी के साथ कितने एच हैं, सी एच थ्री, ये सी एच टू है, ये सी एच टू है और ये सी एच थ्री है, ठीक है जी। अब देखो सब में सिंगल बंद दिख रहे हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और सी एच थ्री। अब देखो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, जब कोई बॉन्ड नहीं है तो भी एक अलबंध जरूर मानेंगे इसमें, तो ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, समझ गए। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं एग्जाम में, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मली ऐसा आता है या ऐसा आता है, ऐसा नहीं आएगा। ये तो तुम्हें समझाने के लिए था कि कैसे बैलेंसी पूरी हो रही है, तो ऐसा या ऐसा करके आएगा। तो इस तरीके से हम कार्बन की लंबी से लंबी चैन लेंगे, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि दो संख्याओं के बीच में कोई निशान ना हो तो गुणा का तो जरूरी होता है, अगर किसी संख्या का कोई निशान ना हो तो प्लस तो जरूरी होता है। ऐसे अगर कुछ भी नहीं है तो एकल बंध जरूर होता है, ये केमिस्ट्री का नियम है, समझ गए। डबल बंध होगा तो डबल बंध या तो हम हिसाब लगाएंगे या हम सोच लेंगे अपना आप ही। ये बंद पूरे करने के लिए, शुरू शुरू वाले को तीन बंद चाहिए होते हैं, चार बंद पूरे करने हैं, चार और इसके कार्बन के चार और चार बंद पूरे करने हैं। हाँ तो चार और घूम के देखना होता है कार्बन के, देखो यहां से गिनो, ये भी है सी नहीं देखना, हमें बंद देखना होता है, बंद हमें देखना होता है, बंद के कार्बन के चार और चार बंद होने चाहिए। ये मत देखो इधर क्या है इधर क्या है, इस सी को अगर जो तुम देख रहे हो तो तुम इस सी के चारों घूम के देखो कि चार बंद पूरे हो रहे नहीं हो रहे, ऐसे ही आगे वाले सी को देखो चार बंद पूरे हो रहे नहीं हो रहे, आगे वाले बंद को इसे देखो कार्बन को के इसके चार बंद पूरे हो रहे नहीं हो रहे। ना ना वहां बताओ, यही बताओ, हाँ ये इतना एरिया जो है ये अलग है तो ये आ गया, ये वाला बंद जो वो ये है, फिर ये सी के साथ में दो एच है तो हमने दो एच लिख दिया सी के साथ में, इसे जब हम खोलेंगे ना तो ये एक एच ऊपर खुल जाएगा एक एच नीचे खुल जाएगा। ऐसे ही आगे चलो तो ये वाला बंद ये है, ये वाला सी ये है और इसके साथ में दो एच जो वो इसके पास में लिख दिए क्योंकि ये इसके साथ रहेंगे। हाँ जी, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, ये दोनों को अलग अलग रखेगा, ना कि इसे दोनों को जोड़ देगा, ऐसे नहीं करेगा। वो ऐसे बनेगा, तुम दो कार्बन देख लो, दो कार्बन में तुम्हें ऐसे रखना है, एक बंद तो जरूर होगा, पहले कार्बन कार्बन को भी तो जोड़ना पड़ता है, दो कार्बन जोड़ गए, अब बाकी कार्बन के कितने बंद चाहिए हमें, तीन चाहिए, तो तीन बंद लगा दो। अब यहाँ आपने तीन बंद ऐसे लगा दिए हमने, अब तीन बंद लगा दिए तो अब ऐसे भी इसके भी तीन चाहिएंगे हमें। अब जब एच की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ लगा देते हैं खाली जगह को भरने के लिए, तो अब ये ऐसे नजर आएगा तुम्हें सी एच थ्री सी एच थ्री। अब सुनो 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 इधर, अब सुनो इधर, हमने कार्बन को डबल बंद से जोड़ दिया, कार्बन कार्बन को डबल बंद से जोड़ दिया, तो दो बंद तो मिल गए इसे, तो अब कितने चाहिए इसे, तो एक ये चाहिए एक ये चाहिए एक ये और एक ये, तो ये सी एच टू डबल बंद सी एच टू। अब हमने कार्बन को जोड़ दिया ट्रिपल बंद से, तो बस एक ये चाहिए, चाहे ऊपर लगा दो नीचे लगा दो किधर की दिशा में भी लगा दो, चारों घूम के देख लो चार बंद पूरे हो रहे हैं, नाम हर किसी का अलग अलग हो गया। हाँ दोनों समान ना, क्योंकि ये ट्रिपल बंद जो है वो इसका भी गिना जाएगा और इसका भी गिना जाएगा। ये बताओ अलग संख्या क्यों नहीं हो सकती, समान क्यों हो रही है, समान इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों पर बराबर बराबर बंद है ना, देखो हाँ अलग अलग इसलिए होगी, देखो अरे देखो इधर तीन ले लो, देखो तीन कार्बन ले लिए हमने, तीन कार्बन ले लिए, अब इस कार्बन को चार बंद पूरे करवाने हैं तो इसे तीन ओर से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक सिरे पर है ये बीच में है, तो इसे दो ही बंद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दो दोनों ओर गिनेगा इसके, ऐसे ही इसे भी तीन, ठीक है जी। तो इसे हमने एच कर दिया, इसे एच कर दिया, इसे एच, ऐसे ये भी एच हो गया, ये भी एच, ये भी एच, ऐसे हो गया।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार हमने यार डबल बंद लगा दिया, मतलब उन्होंने दिया होगा कि यार ये कार्बन डबल बंद से जुड़ा है, तो डबल बंद से जुड़ा है तो आप देखो बंद कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसके हो गए और 5 इसके हो गए, तो गलत हो गया। तो अब इसमें से भी एक एच कम करना पड़ेगा और उसमें से भी एक एच कम करना पड़ेगा, तो अब बंद कैसा नजर आएगा देखो इधर CH3, ये CH होगा सिर्फ और डबल बंद होगा और ये CH2 होगा, देखो सारे नंबर बदल गए। तो CH2 होगा तो ये यौगिक संभव नहीं है, हाँ क्यों, क्योंकि कार्बन के 3 बंद रह गए और 3 बंद पे कार्बन काम करता नहीं है, 4 पे काम करेगा, समझ गए, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव तब होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ जोड़ो, चाहे CL जोड़ो, H जोड़ो, कुछ जोड़ो, कुछ ना कुछ तो जरूर जोड़ेगा, हाँ वो कुछ भी जोड़ दो फिर तो। अभी हम कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ H लगा रहे हैं, इसलिए है। खाली 2 नहीं हो सकते क्योंकि हमें बंद भी तो पूरे करने हैं, हाँ सी हमेशा 4 बंद बनाएगा, 4 ही बंद चाहिए, कहीं भी बना दो, चाहे 3 बंद एक और बना, 3 बंद एक और बना दो, 1 बंद इधर बना दो, या 2 बंद इधर बना दो, 2 इधर बना दो, कैसे भी कर दो, लेकिन कार्बन के घूम के देखा तो 4 बंद होने चाहिए, समझ में आ गई, हर हाल में 4 बंद चाहिए, पहला दिन है इसलिए बेसिक बता रहा हूँ, फिर तो हम धड़ाधड़ लगातार चलते रहेंगे, सबको समझ में आ गया। अब नंबरिंग करेंगे हम, तो नंबरिंग देखो सर, अब हमें नंबरिंग जो करनी होती है सिर्फ कार्बन पर करेंगे और किसी भी चीज पर नंबरिंग नहीं करते, सिर्फ कार्बन गिनेंगे, तो नंबरिंग ये तो समझ गए, तो छोड़ो, चाहे तुम इधर से कर दो या इधर से कर दो, देखो तो 1, 2, 3, 4 चार कार्बन के लिए कल बताया था कि 4 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, C1 के लिए मैथ होता है, देखो मैं बता देता हूँ, C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एथ, C के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, पैन, और C5 के लिए C6 के लिए हेक्स, ऐसे हैप्ट, ओक्ट, नॉन और डैक होते हैं ऐसे। ओ सुनो उधर, इतना करने के बाद में जब 4 कार्बन हमें मिल गए तो हम इसका नाम रख देंगे ब्यूट। अब आगे की बात करो, ये सारे के सारे कार्बन किस बंद से जुड़े हैं, तो सिंगल बंद से जुड़े हैं, तो हम इसमें देखो उधर प्लस लगा के लगा देंगे एन, अगर अगर डबल बंद होता तो इन लगा देते, ट्रिपल बंद होता तो आयन कर देते, हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो इसका नाम हो गया कार्बनिक यौगिक का ब्यूटेन, बस यही नाम लिखना है, ठीक है जी। आगे और देखो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ठीक है जी, कितने नंबर निकल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो देखो 5 कार्बन के लिए पेंट नाम होगा और सब में ये एन लग जाएगा, सॉरी एथ नहीं, तो नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है जी। इसकी बात कर लो जरा देखो, तो इसकी बात करने में यहां से नंबर कर लेते हैं, जैसे ये हमारा पहला नाम ये है और दूसरा नाम ये, तो तीसरा नाम इसे मान लें, तो इसमें तो 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन के लिए नाम होता है एथ और सब में सिंगल बंद है तो एन लगा दिया है एथेन। अब इसकी बात कर लो जरा, ये ऐसा नजर आएगा तुम्हें, तो 1 और 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बंद के लिए जो ना इन है, तो नाम चाहे तो ऐसे रहने दो तो भी अच्छा होता है, और अगर जो लिखना चाहोगे तो एथीन कर देंगे हम इसे। इसकी बात करो, इसकी बात करने में 1 और 2 एथ और ये आइन, तो एथाइन नाम हो जाएगा इसका। अब इधर देखो, इधर 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 ये है यौगिक, ये तुम्हारा 5वां नाम हो गया, तो इसमें आ जाएगा ए नंबर। देखो अब नियम ये है कि नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें, इधर से करें, तो नियम लिखा था तुमने दूसरा वाला वो, कि नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से डबल बंद या ट्रिपल बंद नजदीक पड़े, तो देखो इधर से गिनेंगे तो 1, 2 ये डबल बंद इसका भी माना जा रहा है ना, तो 1, 2 दूसरे नंबर पर पड़ रहा है और इधर पहले भी पड़ रहा है क्योंकि इस कार्बन का भी गिना जाएगा बंद, तो इधर से गिनेंगे तो इस कार्बन का माना जाएगा, इधर से गिनेंगे तो इस कार्बन का माना जाएगा, तो हम उधर से देखेंगे, इधर से गिनेंगे तो 1, 2 दूसरे नंबर पर डबल बंद आ रहा है, वो इधर से गिनेंगे तो पहले भी आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि नजदीक इधर से पड़ रहा है पहले नंबर पर। 1, 2, 3 तीन कार्बन के लिए नाम तो आ जाएगा प्रोप, लेकिन अब हम नंबर के साथ लिखेंगे क्योंकि कार्बन बढ़ गए हैं, पहले तो 2 ही थे, तो पहले नंबर पे आ रहा है इन, ऐसे करके लिखना होता है,
नंबर के साथ में, पहले कार्बन पे इन लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा प्रोपीन, और वन जो है वो कॉमन ले लेंगे आगे। कोई और बड़ा सा यौगिक देखो ऐसा करके, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच, ना 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 पूरे में सी एच ही चलेंगे सारे उसमें। हाँ हर जगह सी एच आएगा, एल्कोहल या सी एल वेल वगैरह बहुत उसका नियम बाद में आएगा। अब देखो ये है, अब इसमें देखो ये जो डबल बंद है वो इसका भी माना जाएगा, इसका भी माना जाएगा। उधर से गिनेंगे तो इस कार्बन को देखेंगे, इधर से गिनेंगे तो इस कार्बन को देखेंगे कि किसके नजदीक पड़ रहा है। तो नंबरिंग का जो हम इधर से करते हैं, एक दो तीन चार, चौथे कार्बन पर डबल बंद आ रहा है, इधर से करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ दूसरे कार्बन पर आ रहा है। कौन सा वाला सही है, ऊपर वाला गलत है पहले वाला सही है, मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है। तो अब देखो छह कार्बन के लिए सबसे पहले कार्बन का नाम लिख दो, हेक्स। अब हमें यह बताना पड़ेगा कि डबल बंद कौन से कार्बन पे है, दूसरे पर इन, तो दो तो बाहर ले लो, हेक्सीन। ये इस तरीके से तुम्हारे नाम हो जाते हैं, समझ गए। यही अभी वैसे नाम है, इसके बाद क्रियात्मक समूह वाले करेंगे। लिखो जल्दी ना जरा, हाँ जी पता चल रहे कैसे हो रहे हैं, हाँ ऐसे ही जैसे मैंने बनाए। नियम नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, यदि कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं, क्रियात्मक समूह कार्बन तो हो गई ऑलरेडी, नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से, क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है, क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है और यौगिक के नाम के बाद में, यौगिक के नाम के अंत में क्रियात्मक समूह, का अनुलग्न, देखो ये अनुलग्न जोड़ देते हैं, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ देते हैं, अनुलग्न और पूर्व लग्न, पूर्व लग्न जो पहले नाम आता है, अनुलग्न जो बाद में नाम आता है, समूह का अनुलग्न जोड़, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ देते हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी बता रहा हूं, देखो भाई पूरी केमिस्ट्री की जो आईयूपीएससी चल रही है ये है उसकी बुनियाद, यही टेबल बताती है सब कि नामकरण कैसा होगा, ठीक है जी, यही टेबल बताएगी। क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न अनुलग्न, ठीक है जी। सबसे पहले अब ये ना इसे कहते हैं वरीयता सारणी, वरीयता, वरीयता का मतलब होता है पावर, देखो ये
सबसे पहले जो सबसे पावरफुल तत्व होता है ना, उसका नाम ऊपर आता है और वो होता है COOH। इसका पूर्व लगन जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल और पूर्व लगन होता है ओइक अम्ल। इसके बाद जो है वो COCl होता है। इसके बाद CONH2 होता है। अभी नहीं एस्टर नियम मतलब ये हो गया है। इसके बाद CHO है। इसके बाद CO है। इसके बाद जो है वो OH है। इसके बाद ईथर है, सॉरी NH2 है। ये डबल बंद है, ये ट्रिपल बंद है और जी उसके बाद आ जाता है, अरे इसके बाद आ जाता है BRCl ये सब के ना बंद होंगे और ये किसी ना किसी से जुड़ेंगे। सुन लो जरा, इसका नाम होता है फॉर्मिल। फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड फॉर वीडियो में देखना एक बार। देखो अरे वो सब ठीक है। कार्बेमोइल, इसका नाम होता है साइनो। इसका नाम होता है ऑक्सो। ये टेबल ऐसे याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। इसका नाम होता है कीटो। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। इसका नाम होता है एमिनो। इसका नाम होता है ऑक्सी। और देखो इधर डबल बंद के लिए तो इन लगाते ही हैं, लेकिन पूर्व लगन में नहीं लगाते हैं। इसका अनुलगन में जाएगा उधर। और इनका देखो BR का नाम जैसे ब्रोमाइड होता है ना, तो ब्रोमाइड नहीं बोला जाएगा IUPAC में, ब्रोमो बोला जाएगा। ऐसे ही क्लोरो बोला जाएगा। और याद रखना पूर्व लगन बोला जाता है इसका। और यहाँ आ जाएगा फ्लोरो, यहाँ हो जाएगा आइडो, यहाँ हो जाएगा एथिल, यहाँ हो जाता है मैथिल। मैथिल इसके अनुलगन की बात करो तो ये पूर्व लगन नाम थे। अनुलगन नाम देखो इसी का क्या बोला जाता है। इसका नाम बोला जाता है ऑयल क्लोराइड। इसका नाम बोला जाता है एमाइड। इसका नाम बोला जाता है नाइट्राइल। इसका नाम बोला जाता है अल। इसका नाम बोला जाता है ओन। OH का नाम बोला जाता है ओल। एमिनो का नाम बोला जाता है एमीन। और इसका कुछ नहीं बोला जाता है। और देखो ये डबल बंद है तो इसका नाम बोला जाता है ईन। इसका नाम बोला जाता है आइन। और जी इनके अनुलगन होते नहीं है। सिर्फ आगे लिखे जाएंगे, बाद में लिखे जाएंगे। अब जरा एग्जांपल समझ लो थोड़ा सा। देखो हमारे पास था जैसे CH3, CH2, CH2 और यहाँ आ गया OH। ठीक है जी, OH आ गया। तो अब हमें सबसे पहले देखना होगा क्रियात्मक समूह आ गया नहीं आ गया। तो हाँ जी ठीक है, क्रियात्मक समूह OH आ गया हमारा। तो नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, और नंबरिंग OH पे नहीं करेंगे, नंबर कार्बन पे करेंगे। तो देखो इधर से करेंगे तो एक दो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ये,
इधर से करेंगे तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, हाँ जी, क्योंकि पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इधर से नजदीक पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि पहले कार्बन के लिए, ये तीन कार्बन के लिए क्या नाम आ जाता है, प्रोप, प्रोप, और सब में सिंगल बंद लग रहा है तो प्रोपेन, और पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है ओल, क्योंकि इसके नाम के बाद आ रहा है, नाम के बाद जो चीज आती है ना वो अनुलगन आता है, पूर्व लगन जो आएगा वो नाम से पहला आएगा। अब कोई कहे यार ये हाइड्रोक्सी का भी यूज करेंगे फिर, क्योंकि हमने तो ओल लगाया, तो हर अगर क्रियात्मक समूह इनमें से कोई सा भी आया ना तो उसका हमेशा अनुलगन नाम ही लगाते हैं। ये नाम तब लगाएंगे जब दो क्रियात्मक समूह आ जाए, दो क्रियात्मक समूह आने का मतलब है एक ये आ जाए और एक इनमें से OH आ जाए, तो इनमें से ये जो टेबल है ना ये ऐसी नहीं है हवा में लिख दी है, ये इसी क्रम में लिखी जाती है, सबसे पावरफुल वाला ऊपर और उसी क्रम में घटते घटते क्रम में है। तो याद रखना इसकी पावर सबसे ज्यादा है, इसकी पावर कम है, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे ना तो फिर इसका पूर्व लगन आएगा और उसका अनुलगन आएगा, क्योंकि हर एक क्रियात्मक समूह अपना अनुलगन लगवाना चाहता है और अनुलगन केवल एक ही आएगा, ठीक है जी। कोई भी क्रियात्मक समूह होगा तो अनुलगन केवल एक ही आता है। अब सुन लो, एक तो नाम ये हो गया, ऐसा सही से लिखना चाहो ना तो ना सही, मतलब ये भी सही माना जाता है, 1-propanol लिखा जा सकता, वरना ये भी अच्छा होता है, ठीक है जी, टुकड़ों में लिख देंगे तो भी अच्छा माना जाता है। अब सुन लो एक मिनट जरा, देखो CH3CH2CH2COOH, अब नंबरिंग देखो, नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, तो देखो ये क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं कि इनमें खुद भी कार्बन होता है, खुद भी कार्बन होता है इसमें, ठीक है ना जी। तो जो काम चले हो ना, काम के बाद करो ना, खुजली में बैठे वैसे खत्म कर देता हूँ, हाँ तो मत रहता हूँ अब काम के बाद चलिए इधर देख लो। तो जी और फालतू कोई मत बोले करो, औकात से जाते हैं वरना, समझ गए। तो देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, नंबरिंग जो हम इधर से करें तो 1, 2, 3, 4, 5 में नंबर पा रहा है, इधर से करेंगे तो पहले भी आ रहा है, तो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ा है खुद कार्बन वाला भी है तो इसके ऊपर भी नंबरिंग होगी। बोलते OH पे क्यों नहीं की, OH में कार्बन नहीं है इसलिए OH पे नहीं की, इसमें कार्बन है तो इसमें खुद पे भी करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन के लिए नाम आ जाता है पेंटेन, पेंटेन समय सिंगल बंदी है, पेंटेन सिंगल बंद है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगा देते, डबल बंद होता है तो इन लगाते, पेंटीन हो जाता ना, ना ना ना, अब क्रियात्मक समूह अलग लिखेंगे, इसका नाम पहले जोड़ दिया हमने, ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाएगा यार समझ में, अरे सुनो सर समझ में तब आएगा जब यहाँ डबल बंद या ट्रिपल बंद हो ना तो नाम तोड़ के दिखाएंगे। अभी एन तो ऑटोमेटिक सब में लगा, जब कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बंद तो है तो एन तो सब में लगना है, ठीक है जी। तो पेंटेन नाम हो गया और वन पे आ गया है ओई कम्ल, सी डबल ओ एच के लिए क्या नाम लगा रहे हैं हम, तो ओई कम्ल, अगर वन पहले कॉमन ले लो तो नाम हो जाता है पेंटेनोइक अम्ल। अब देखो CH3CH CH2 और COOH, और यहां हमने लगा दिया OH, देखो एक एच कम किया है, पहले CH2 होता था ना, यहाँ एक एच कम किया उसका बंद खाली हुआ होगा तो OH लगाया, एच तो कभी भी किसी के हाथ से कितने भी कम कर दो, क्रियात्मक समूह की पावर ज्यादा रहती है। अब क्रियात्मक समूह पहचानो, क्रियात्मक समूह पहचानेंगे तो एक तो क्रियात्मक समूह है ये, एक क्रियात्मक समूह है ये, तो अभी नियम लिखेंगे इसका भी, नंबरिंग अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से अधिक क्रियात्मक समूह वाले, जिसकी वरीयता अधिक होती है, समझ गए। तो इन दोनों में से इसकी वरीयता अधिक है फिर नंबरिंग इसकी करें, इस ओर से करेंगे, और जिसकी वरीयता अधिक होती है वो अपना अनुलगन लगवाएगा, बाकी सबके पूर्व लगन आएंगे, चाहे एक ना क्लोरो ब्रोमो और भी होते सबके पूर्व लगन आएंगे। तो देखो इधर 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन के लिए नाम जो है ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, कोई बात नहीं। अब देखो तीसरे नंबर पर OH आया है, क्योंकि नंबरिंग तो हमने उसकी ओर से की है, तीसरे नंबर पर OH आया है, तो अब OH का यहां नाम हमने ओल लगाया था, लेकिन अब यहां ओल नहीं आएगा, अब इसका इसका पूर्व लगन यूज करेंगे, और पूर्व लगन में नाम जोड़ा जाता है इसका हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी नाम अब बाद नहीं आएगा, पूर्व लगन है तो इसके नाम से पहला आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और अब वन पे जो है वो ओइकम्ल है,
इस क्रियात्मक समूह का नाम आ गया। तो कार्बन का सबका नाम आ गया, ये इस क्रियात्मक समूह का नाम आ गया। पहले क्यों आया? पहले क्योंकि इससे बड़ा वाला मौजूद है यहाँ पहले, ठीक है ना। हर कोई अपना अनुलग अलग बनना चाहता है, जिसकी वरीयता ज्यादा होती है वो अपना अनुलग अलग बनता है, बाकी सबके पूर्ण लगन आते हैं। समझ में आ रही वाली बात? देखो CH3 CH CH CH2 और जी यहां जाता है CHO, यहां आ जाएगा एमीन, और जी यहां आ जाएगा तुम्हारा OH। नंबर कहाँ ले मैं? मतलब अच्छा यहाँ ले लें, हाँ लिख दो। मैं बोल रहा हूँ ये जरूरी थोड़ा ना लिखना, टूटा हुआ रहने तो अच्छा माना जाता है, इससे अच्छा ये माना जाता है। हाँ तो ले लो, हाँ नंबर नहीं लिखे तो गलत हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कहाँ जुड़ेगा। नंबरिंग ऊपर करके भी दिखाएंगे और नंबर लिख के भी दिखाएंगे। हाँ जी ना, फिर नहीं जाओ, फिर यहाँ से चलेगी नीचे से गिनती ऊपर को, ना ना जिधर को लंबी चैन मिलेगी उधर को जाएगी। अभी दिखाता हूँ देखो, अभी जैसे ये है, अब इसमें क्रियात्मक समूह पहचानो। पहले तो एक क्रियात्मक समूह तो ये है और एक ये है, ठीक है ना। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ज्यादा वरीयता वाला नजदीक पड़ेगा, तो ज्यादा वरीयता है इसकी तो इधर से। और इसमें सीएचओ में खुद पे भी कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 नाम तो पेंटेन हो गया। अब ज्यादा वरीयता वाला अपना अनुलग्न लगवाएगा, अनुलग्न केवल एक का आता है जो ज्यादा वो मजबूत है, ठीक है जी। और बाकी सबके पूर्व लग्न आएंगे। अब पूर्व लग्न किन किन आएंगे? इसके और इसके आएंगे। अब इसके इसके में भी कौन पहले लिखा जाए? ये थोड़ा ना कि तीसरे नंबर वाला पहले लिखा जाए, ऐसा नहीं है। अब इन दोनों में से भी पहले वो लिखा जाएगा जो ABCD क्रम में पहला आएगा, ABCD के क्रम में जिसका नाम पहला आएगा। देखो ये इनके नाम तो अब ये पूर्व लगन यूज के होंगे, अनुलगन तो केवल उसका लगेगा। इनके नाम जो यूज होंगे वो पूर्व लगन यूज होंगे। अब इसका नाम पूर्व लगन में है एमिनो, एमिनो इंग्लिश में देखेंगे अब एमिनो, और इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा, एच से होगा। तो अब पहला कौन सा लिखा जाएगा? अब इन दोनों में से एमिनो वाला नाम पहला लिखा जाएगा, जबकि ये चौथे नंबर पर है। लेकिन ये मत देखना कि तीसरे पर है तो तीसरा वाला पहले लिख दो चौथा वाला है, ऐसा नहीं होता है। ये देखा जाता है कि इसमें ABCD क्रम में कौन पहला आता है, ठीक है। तो आप देखो पहले तो पेंटेन का नाम लिखे, पांच कार्बन के लिए पेंटेन नाम है, पेंटेन नाम है। वन पे क्या आ रहा है? वन पे अल आ रहा है, यहां तक तो हम निपट गए। OH के लिए अल, ये CHO के लिए अल आ जाता है, अल पेंटेनल लिख सकते हैं, इसे वन बाहर लेकर पेंटेनल लिख दो, कोई बात नहीं। इनसे देखो इन दोनों में से पहला नाम आप किसका लिखें? तो पहला नाम उसका लिखेंगे जो ABCD में जिसका नाम पहला आता है, तो एमिनो का नाम पहला आएगा। तो नंबर बता देंगे, वह चौथे नंबर पे एमिनो है, कोमा लगाएंगे, और तीसरे नंबर पे डैश लगा के लिखेंगे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, और कोमा लगा के आगे को तुम्हारा पूरा नाम हो गया। तो नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 3 ये 4 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल, ये पूरा नाम है। वरीयता क्यों ना देख रहे, देख तो रहे। अरे यहाँ वरीयता नहीं देखी जाती, वरीयता सिर्फ उसके लिए देखी जाती है, इसमें ये नहीं देखी जाती, क्योंकि वरीयता जो है वो अनुलगन के लिए देखी जाती है। पूर्व लगन का नाम जो है ABCD के क्रम में लिखा जाता है, समझ गए? हाँ तो अब ये नियम बना के लिख लो जरा, ठीक है जी। टेबल तो बाद में बनाओगे, नियम लिखो अभी। एक और, यदि कार्बनिक यौगिक में ये हम वो वाला नियम लिख रहे हैं, एक से अधिक चार है, क्यों लिखा बताओ क्या? जी चौथे नंबर पर कार्बन पे एमिनो लगा हुआ है, हाँ जरूरी है, बिना नंबर कैसे पता चलेगा कौन कहाँ जुड़ा हुआ है? ना 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 ना, फेयर में लिखेंगे, फेयर में नंबरिंग करेंगे। एक क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेगा, यही दोबारा से तुम अपनी कॉपी में उतारोगे, फिर इसको अपन नंबर करके दिखाओगे। हाँ नंबरों से तो चल रहा है, तुम पूछ रहे थे, बता रहे थे, पूछ रहे थे क्या था क्वेश्चन? मैं बोलूं कुछ लिखो। यदि यदि कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं, यदि कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं
चीज का, एक से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं तो नंबरिंग, तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं उस ओर से करते हैं जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक होती है, नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक होती है, वरीयता अधिक होती है अधिक होती है और उसका अनुलगन लगाते हैं, और उसका अनुलगन लगाते हैं जबकि शेष अन्य, जबकि शेष अन्य क्रियात्मक समूह, समूहों कर देना बहुवचन में, शेष अन्य क्रियात्मक समूहों का पूर्व लग्न, शेष अन्य क्रियात्मक समूहों का पूर्व लग्न अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, शेष अन्य समूह का पूर्व लग्न अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, हो गया। तो ये है, अरे सुनो उधर, तो समझ वाले कैसे हो रहे, देखो इस वाले में हमारे पास तीन क्रियात्मक समूह थे, ये था और ये था, हमने तीनों क्रियात्मक समूह में देखा सबसे ज्यादा वरीयता किसकी है, सबसे ज्यादा वरीयता है इसकी, ठीक है जी, सबसे ज्यादा वरीयता इसकी है, तो हमने नंबरिंग इधर से कर दी। अब बात यह है कि ये थोड़ा कि बाकी क्रियात्मक समूह बेकार है, जब इसकी वरीयता अधिक है तो इसका तो अनुलगन लगा देंगे, बाकी सबके पूर्व लगन लगाएंगे। अब ये दो हैं, तीन भी हो सकते थे, चार भी हो सकते थे, पचास भी हो सकते थे, तो अब इन दोनों में से देखा जाएगा कि भाई किसकी वरीयता, जब ये इसमें वरीयता आ गई है तो इन दोनों में से, अब ये मत देखना कि इसकी वरीयता ज्यादा किसकी है, पता चला कि यार OH की वरीयता ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, OH की ज्यादा है तो OH का नाम पहले लिखते हैं, वरीयता केवल अनुलगन में देखी जाती है, इनमें तो ABCD का क्रम देखा जाता है जब पूर्व लगन लगा रहे हो तो, समझ गए, वरीयता के लिए ये टेबल होती है, इसके लिए तो ABCD क्रम में जिसका नाम पहला आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे, जिसका नाम बाद वाला उसका नाम बाद में लिख देंगे, नंबर ऑटोमेटिक हमारे इसकी वजह से पहले पड़ गए थे, इसकी वजह से पहले चौथे नंबर पे अमीनो है तो अमीनो लिख दिया, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो हाइड्रोक्सी लिख दिया, लेकिन पहला नाम जो है ए वाले का आएगा फिर एच वाले का आएगा, बस अब बताओ किसे क्या डाउट है। CH2NH2 की जगह होता तो नंबरिंग इधर से करते हुए चलते इधर को, और ये जो है ना ये मैथिल के, फिर ये मैथिल बोला जाता, समझ गया, क्योंकि ये साइड में रह जाता फिर ये नंबरिंग में नहीं आता, नंबर से बाहर पहुंचा, हाँ ना यहाँ थोड़ी ना आता, नंबरिंग इसके ऊपर से करेंगे ना, जिधर से ये नजदीक पड़े इस पर खुद पे कार्बन है तो नंबरिंग इसके ऊपर से करेंगे ना, नीचे से ऊपर को ले जाएंगे, चैन तो कैसे भी जा सकती है, आड़ी टेढ़ी कितनी भी लंबी लेके जाएंगे, अभी लिखेंगे, अभी तो छोटे छोटे नाम कर रहे हैं, अभी तो इतनी लंबी चैन भी लिखेंगे पूरे बोर्ड पर जाएगी, तो कार्बन तो कितने लंबे भी ले जाएंगे, हाँ पहले सारणी बनेगी फिर ये उदाहरण लिख देंगे। देखो छः के बाद में सात, आठ, नौ और ये दस, ये बस, हाँ सारणी बनाओगे उसके बाद लिखोगे।